खबर भारती ने अपना फिर से निभाया सरोकार, पीड़ित महिला को मिला न्याय। सरोकारों की पत्रकारिता करने वाली खबर भारती की खबर का असर छत्तीसगढ़ के कोरिया में फिर से देखने को मिला। एसडीओपी और एसडीएम को सामूहिक आत्महत्या का ज्ञापन सौंपने वाली महिला को एसडीएम ने एसईसीएल कंपनी में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया है। दरअसल गोलियाबाई का पति शुद्ध एसईसीएल कंपनी में क्लीनर का काम करता था, जिसकी लंबी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर ये महिला पति की मौत के बाद से अपने 6 बच्चों के साथ दर दर भटक को मजबूर है। गोलियाबाई ने कंपनी प्रबंधन से अपने पति की जगह काम करने की गुहार लगाई थी, जिसके बदले में एचईसीएल प्रबंधन ने उसे आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो कंपनी से आर्थिक मदद की बजाय अपने पति की जगह नौकरी चाहती है। खबर भारती ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एसडीएम ने जांच का भरोसा दिलाया था।